नमस्कार खबर पचर खबर को स्वागत करुच्छी मु मधु खबर पचर खबर आम प्रतिदिन 10 खबर उपर नजर पकड़ तेज चलते देखने कौन रही आज टॉप 1 खबर चलित बर्ष बदल युक्त 2 परीक्षा ढांचा प्रश्नपत्र 50 नंबर मल्टीपुल चॉइस प्रश्न प्रत्येक मल्टीपुल चॉइस प्रश्नर उत्तर पर 1 नंबर लिखाई रश्नपत्र हाराहारी 30% संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रहीपरी हाराहारी 20% दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न छात्र छात्री अधिक ऑप्शन दीर्घ उत्तरमूलक प्रति प्रश्नर मूल्य 5 मार्क भितर सीमित रहिप युक्त 2 परीक्षा प्रश्नपत्र ढांचा संपर्क में यह सूचना देखते गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास देखा टॉप 2 खबर मार्च मसरे ओडिशा आसीपे राहुल गांधी कांग्रेस करिपो विशाल समावेश एथिरे शामिल हेबे राहुल गांधी भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया समावेश हेबो एने सूचना देले कांग्रेस विधायक सुर राउतराय कांग्रेस 2 सांगठनिक जिला वृद्धि पाई 33 बदल में 35 होइछि सांगठनिक जिला संख्या मयूरभंज और गंजाम रेबो नुआ सांगठनिक जिला 2019 साधारण निर्वाचन में कांग्रेस शोचनीय पराजय होइतिला यहाँ राज्य में तृणमूल स्तर में संगठन को सजाड़ा आरंभ करिछि कांग्रेस एबे देखिबा टॉप 3 खबर आज पुणि थे आरंभ हो श्रीजीवर दर्शन गत काली श्रीमंदिर को सानिटाइज कर आज सका सुरखुरी महाप्रभु दर्शन कर श्रद्धा कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट दरकार होता बेले आज महाप्रभु को दर्शन पर भक्त को आउ बेसी समय अपेक्षा करने को पड़बना ब्यारिकेड को पखापाखि 1 किलोमीटर कमाई प्रशासन फल सर्वसाधारण दर्शन आउ टे सहज हो भक्त को आउ बेसी समय लाइन में छिड़ा पड़बना आज ब्यारिकेड दे भक्त श्रीमंदिर भितर प्रवेश कर एबे देखिबा टॉप 4 खबर पिपिली विधायक प्रदीप पुरोहितर वियोग परे एबे विधानसभा आसन खाली पड़ी खूब शीघ्र एठारे उपनिर्वाचन अनुष्ठित हेबो बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना देछंती कोविड कटकणा अनुसार एथिरे निर्वाचन अनुष्ठित हेबो प्रति बूथ रे वोट देबे 1000 जन वोटर निर्वाचन कमिशन एने सूचना देछंती राज्य निर्वाचन अधिकारी ए सूचना देछंती जे पिपिली उपनिर्वाचन पर 3 प्रमुख राजनीतिक दल निर्वाचन पर सजबाजी सूचना अनुसार प्रदीप पुरोहित कोरोना आक्रांत होते देखा टॉप 5 खबर भुवनेश्वर पुणे को सीधा सड़क विमान सेवा आरंभ हो रविवार ठार रूट एयर एशिया विमान उड़ी एक विमान भुवनेश्वर अपराह्न 1:50 उड़ान कर पुणे ठार अपराह्न 3:55 पहुँच से भाई पुणे ठार अपराह्न 4:35 उड़ान कर संध्या 6:40 पहुँच सप्ताह शनिवार को छाड़ बाकी 6 दिन यह विमान उड़ान करयार एशिया पक्षर कहु भुवनेश्वर विमानबंदर ठारे वाणिज्य और परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा यह सेवा आरंभ करछंती यह राज्यर पर्यटन शिल्प को समृद्ध करने आर्थिक अभिवृद्धि सहायक हेबो बोली मंत्री कहते देखा टॉप 6 खबर पुणी पुलिस कब्जा रे नकली सांबादिक न्यूज आल देखा लोकों ठार लक्षाधिक टंका ठके अभियोग गिरफ होती सांबादिक पुरीर नकली सांबादिक सौम्यरंजन सामुद्राय को गिरफ कर खंडगिर थाना पुलिस सूचना अनुसार दुर्नीति लाइव नामक एक वेब चैनल खोली सौम्य जार ऑफिस विभिन्न स्थान में खोली नकली सांबादिक जनक साधारण लोक नेता व्यवसायी और सांबादिक मानकु न्यूज आल देखा टंका मागुले व्यक्ति जनक खंडगिर थाना एने अभियोग होता तेरे अभियोग होवार 48 घंटा मध्य आक्शन मोड को आसी पुलिस एबे देखिबा टॉप 7 खबर साधारणतंत्र दिवस अवसर में पुलिस पदक घोषणा कर ओडिशा रो 2 जन को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलिबो गुइंदा निर्देशक रामकृष्ण शर्मा और बीपीएसपी डेप्युटी सुबेदार वृद्धि बहादुर थापा को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलिबो या सहित आउ 11 जन पुलिस कर्मचारी को उल्लेखनीय सेवा पई पदक मिलिबो आईन श्रृंखला पई आईजी प्रवीण कुमार एसपी रवींद्र दास एसपी भवानी शंकर मिश्र डेप्युटी कमांडर अशोक बेहुरी एसपी प्रकाश पाल एसआई मनोरंजन शतपथी हाबिलदार सरोज भोई हाबिलदार शेख नासिरुद्दीन कनेस्टबल गौतम पात्र प्रमुख पुलिस पदक पाइबे से मानको ट्वीट करी शुभेच्छा जनाइछंती पुलिस डीजी अभय एबे देखिबा टॉप 8
ଖବର। ସିଲ୍କ ସିଟିରେ ସବୁ ଭେଜାଲ, ମସଲା ସସ୍ ପରେ ପାଣିରେ ବି ବେଶ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନକଲି ସସ୍ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଠାବ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଏହି ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1000 ପାଣି ବୋତଲ ସହ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 9 ଖବର। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 6 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କାରଣରୁ ଦଳକୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କେବଳ 3 ସମୟ ମିଳିବ। ଦ ଟେଲିଗ୍ରାମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ବୁଧବାର ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠାରେ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ 6 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯାଇନଥିବା ବ୍ରୋନ୍ଷ୍ଟୋକ୍, ଜୋଫା ଆଚାର ଓ ରୋନି ବନର୍ସ ରବିବାର ରାତିରେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 7 ଖବର। କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କମେଡି ଶୋ ଦ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇଆସିଛି। ଏହି ଶୋରେ ବଲିଉଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପରଦାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମୋସନ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଦର୍ଶକ ଏହି କମେଡି ଶୋକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ପରଠାରୁ ଏହି ଶୋ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କପିଲ ଶର୍ମା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ ଏହି ସିଜିନ୍ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖବର ପଛର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।